उत्तराखंड में बात करें नई भर्ती के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपके बताया गया है कि 330 पदों पर जो है नई भर्ती आ रही है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है शैक्षिक योग्यता के आधार पर होगी भर्ती, तो शैक्षिक आधार पर भर्ती होनी है और जल्द ही शासन की ओर से जो है वो जारी कर दिया जाएगा इस संबंध में आदेश। तो संबंध में आदेश करने वाले हैं, तो महिला होमगार्ड की भर्ती की बात चल रही है उत्तराखंड में। तो महिला भर्ती में यहाँ पर देखते हैं कि पहली बार काफ़ी समय के बाद यहाँ पर लगभग 300 करीबन 330 पद महिला भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसमें भर्ती को जो है लिखित परीक्षा कराने को लेकर जो है चल रहा असमंजस अब यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है दूर हो चुका है और साथ ही इस तरफ पर बताया गया निर्णय लिया गया है कि अब भर्ती के लिए जो है लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो लिखित परीक्षा अब नहीं होगी और इसके लिए यहाँ पर शारीरिक जो परीक्षा है और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर जो है जल्द ही शासन द्वारा जो है इस संबंध में दिशा निर्देश किया जाएगा। तो पहले लिखित परीक्षा की बात चल रही थी, लेकिन अब आपकी शैक्षिक जो फिजिकल है और शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर आपकी भर्ती कराने की बात चली हुई है, जिसमें होमगार्ड के 330 पदों पर जो है महिलाओं की पोस्टें आने वाली हैं और 6,500 होमगार्ड करीब जो है सरकारी कार्यालय में अभी पुलिस के साथ जो है सहयोग दे रहे हैं और लगभग इतने पद आपके रिक्त हैं जिन पर आपके आनी है। और अभी होमगार्ड विभाग में जो है महिला होमगार्ड के 239 पद स्वीकृत किए गए हैं और 215 नए यहाँ पर तैनात भी करे गए हैं।